हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज। जो आपके नॉलेज को रिकॉल करते हैं। 2018 का इससे पहले जो पेपर पोस्ट किया गया था वो री एग्ज़ाम का पेपर था, लेकिन उसमें हम लिख नहीं पाए थे कि री एग्ज़ाम का पेपर है। इसलिए इस पेपर में हमने लिख दिया है री एग्ज़ाम जुलाई का पेपर है। मुझे पता नहीं कि ये कब हुआ था, लेकिन दिया है बुक में, तो आप सब लोग पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने पात्र नहीं हैं? इसका उत्तर है हार्वर्ड स्पेंसर ने। यह कहा है कि सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन की उद्विकास प्रवृत्ति होती है। इस संदर्भ में उन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता के मुहावरे की रचना की है। उन्होंने ही सर्वप्रथम यह प्रस्थापित किया कि मानवीय समाजों में भी प्राकृतिक नियमों के सिद्धांत के अनुसार उद्विकास होता है। जिस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण के सिद्धांत के अनुसार कुछ बलिष्ठ जीव बच जाते हैं, वे अपने परिवेश के अनुरूप अपने आप को ढालकर तालमेल बिठाने में सफल रहते हैं, वे समाज जीवित रहते हैं और लंबी अवधि तक ऐसे समाज चलते रहते हैं। इसके विपरीत वे समाज जो अपने परिवेश के अनुरूप अनुकूलन करने या प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहते हैं, उनमें असंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं और अंततः यह समाज नष्ट होकर लुप्त हो जाती है। किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया कि अधिकतर मानवीय परितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है आदान प्रदान। सामाजिक परिवेश में कल्पित किया गया कि अधिकतर मानवीय प्रतितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से उत्पन्न होता है, उसे आदान प्रदान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? वह है कई क्षेत्रों में फैले स्थानों के छोटे छोटे खंड। जो छोटे छोटे खंड होते हैं फैले हुए, उसको कस्बा कहते हैं। समाजशास्त्रीय साहित्य में समुदाय शब्द का प्रयोग बहुधा व्यक्तियों के एक ऐसे समूह, सामाजिक सहचर्य के एक ऐसे रूप के लिए किया गया है जिससे सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जिन्हें पारस्परिक एकत्व की भावना होती है। अंतर पारस्परिकता साझा संस्कृति और संगठित क्रियाकलापों की विशेषता होती है, परंतु कई क्षेत्रों में फैले छोटे छोटे खंड को समुदाय की विशेषता नहीं कहते। जो छोटे छोटे खंडों में फैले होते हैं उन्हें कस्बा कहते हैं। अधिकत और सहभाजित साझा वे सांस्कृतिक उत्पादक है जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं, क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं मूल। मूल वे सांस्कृतिक अथवा व्यक्तिगत धारणाएं एवं आदर्श हैं जिनके द्वारा वस्तुओं और घटनाओं की एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है। ये वे कसौटियां और व्यवहार के पैमाने हैं जिनके आधार पर अच्छे बुरे, वांछित अवांछित, सही गलत, कारणीय और अकारणीय निर्णय किए जाते हैं, उसे मूल्य कहते हैं। एक सामाजिक प्रतिवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरे की तुलना में अपेक्षित श्रेष्ठ है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे निर्जाति केंद्रितावाद कहा जाता है। एक सामाजिक प्रतिवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो उसे निर्जाति केंद्रितावाद के रूप में जाना जाता है। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग W.G. सुमनर ने किया था। अतः समूह और बाह्य समूह के बीच ऐसी पक्षपातपूर्ण मनोवृत्तियों को समझाने के लिए किया जिनके द्वारा हम अपने रीति रिवाजों, व्यवहार प्रतिमानों और विशेषताओं को बिना किसी तर्क वितर्क के अच्छा या उच्च ठहराते हैं। विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय क्या कहलाता है जो समाज के प्रभावी संस्कृति को अस्वीकार करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को चिन्हित करे? यह है प्रति संस्कृति। विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय प्रति संस्कृति कहलाता है जो समाज को प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करता है। प्रति संस्कृति की अवधारणा मिल्टन सिंगनर की है। इसे विरोधी संस्कृति भी कहते हैं। जब कोई उप संस्कृति मुख्य संस्कृति को चुनौती देने लगती है, उसका विरोध करने लगती है, तो वही उप संस्कृति अथवा प्रति संस्कृति कही जाती है। जैसे समलैंगिक विवाह, हिप्पी संस्कृति, अघोरी संस्कृति इत्यादि सभी संस्कृति को चुनौती देती है तथा ये प्रति संस्कृति के उदाहरण भी हैं। नोट: उप संस्कृति को ही सामाजिक मान्यता प्राप्त होता है जबकि प्रति संस्कृति को सामाजिक मान्यता प्राप्त
नहीं होती है। उप संस्कृति कहते कैसे हैं? जैसे कि ये भारत है, यहाँ हिंदू ज्यादा रहते हैं, यहाँ की जो संस्कृति है वो हिंदुत्व की है। लेकिन उप संस्कृति जैसे मुस्लिम संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति, इसे छोटी छोटी उप संस्कृति कहते हैं। एक व्यक्ति एक विद्यालय शिक्षक है, वह उप प्रचार का स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। ये सभी स्थितियां मिलाकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं या परिस्थिति समुच्चय का निर्माण करती है। बहुल परिस्थिति की अवधारणा राल्फ लिंटन ने दी थी। व्यक्ति एक साथ कई परिस्थितियां धारण किया होता है जिसमें सम्मिलित रूप से ही लिंटन बहुल परिस्थिति कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति का डॉक्टर, पुत्र, पिता, सॉस, भाई के रूप में परिस्थितियां। लॉर्ड लिंटन ने गुच्छेदार परिस्थिति भी कहते हैं। भूमिका द्वंद के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था आर के मार्टन ने भूमिका द्वंद के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भूमिका द्वंद से तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसी भूमिकाओं के बीच असंगता अथवा विरोधाभास की स्थिति है जिनके संबंध में एक व्यक्ति से किसी विचाराधीन स्थिति में संपादन किया जाता है या आशा की जाती है। मार्टन ने समाजशास्त्र में कई विभिन्न विषयों का आलोचनात्मक परीक्षण कर अपना योगदान दिया है। इनमें से उनके कुछ प्रमुख विषय सामाजिक संरचना, प्रकारवादी परिपेक्ष, विचलन और एनोमी, जनसंचार, भूमिका सिद्धांत, कर्मचारी तंत्र, मध्यवर्ती सिद्धांत और केंद्रता साक्षात्कार रहा है। या किसने माना कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं के आंतरिक संरचना के मध्य से बनती है? ब्रिटिश मानव शास्त्री नाडेल ने अपने विशिष्ट समाज संरचनावादी सिद्धांत से मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों को प्रभावित किया है। उन्होंने सामाजिक संरचना का विस्तृत विवेचना अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में किया है तथा यह माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनी है। किसने भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है? वो है आर के मार्टन। एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिकाओं के समुच्चय को भूमिका विन्यास कहते हैं। किसी भी सामाजिक परिस्थिति में एक व्यक्ति अनेक सामाजिक संबंधों से घिरा होता है जो कि व्यक्तियों के लिए उस सामाजिक परिस्थितियों में सर्वदा अथवा सामान्यता आवश्यक होती है। इस अवधारणा का प्रयोग आर के मार्टन ने किया था। मार्टन के अनुसार भूमिका विन्यास या पुंज से मेरा तात्पर्य भूमिका संबंधों के उस ताने बाने से है जिसमें एक व्यक्ति एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति को धारण करने के कारण बंधा होता है। उन्होंने भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है। समूहों के एक संयुज, दो संयुज और त्रि में वर्गीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? यह दिया जाता है जी से मिल को। व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन या संग्रह जो दो या दो से अधिक जिसमें इस संग्रह के सदस्यता औपचारिक, अनौपचारिक और अंतःक्रिया के प्रति चेतना होती है समूह कहलाता है। समूह के एक संयुज, दो संयुज और त्रि संयुज में वर्गीकृत करने का श्रेय सीमिल को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? वह है सी, क्रीडेंस का समस्तरीय और विषमस्तरीय समूह। इसने वर्गों को श्रम के विभाजन द्वारा सृजित और आनुवांशिक द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है। वह है डी सुमिलर। श्रम विभाजन से तात्पर्य किसी भी स्थायी संगठन में मिलजुल कर काम करने वाले व्यक्तियों या समूहों द्वारा भिन्न किंतु समव्यात्मक क्रियाओं के संपादन से है। जी सुमुलर ने वर्गों का काम के विभाजन द्वारा सृजित और आनुवांशिक द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है। प्रत्याशित समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके कारण गठित होते हैं? वह है संदर्भ समूह व्यवहार। सामान्यतः एक ऐसा समूह को संदर्भ समूह की संज्ञा दी जाती है जिसके साथ एक व्यक्ति अपना समीकरण बैठाता है या तदात्मीकरण करता है अथवा एकीकरण बैठाने की आकांक्षा रखता है तथा जिसके अनुसार एक व्यक्ति अपने मूल्यों, विश्वासों, मनोवृत्ति को ढालने का प्रयास करता है और उसी के अनुरूप अपने व्यवहार को निर्देशित करता है। यही प्रक्रिया प्रत्याशी यानी पूर्वाभासी समाजीकरण में देखने को मिलता है।
जो कि किसी भावी सामाजिक भूमिका से संबंधित दायित्व, अधिकारों, अपेक्षाओं, मनोभावनाओं तथा व्यवहारों को सीखने तथा उसके लिए तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तथा यह कहा जा सकता है कि प्रत्याशी समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण गठित होती है। कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्ग के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के अभिप्राय की बात करता है, वह है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स समुदाय के भीतर सामाजिक वर्ग के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के अभिप्राय की बात करता है। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, आर्थिक निर्धारणवाद आदि रहे हैं। एक तथ्य जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और अपरिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोग के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह किसने कहा है? क्या कहा है? रॉबर्ट एच लॉबी ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव सोसाइटी में व्यक्त किया है कि अन्य दो प्रमुख पुस्तक द ओरिजिन्स ऑफ द स्टेट तथा सोशल ऑर्गेनाइजेशन में राज्य के विकास संबंधी मार्गन के अनुमानात्मक सिद्धांत को का खंडन किया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाजीकरण के समतुल्य मानी जाती है? वह है संस्कृति ग्रहण। संस्कृति ग्रहण की अवधारणा हर्ष कोटिव ने दी है। अपनी संस्कृति को सीखना, विशेषकर अचेतन अवस्था में सीखने की प्रक्रिया को सह संस्कृति ग्रहण कहते हैं, जैसे एक बच्चे को अपनी संस्कृति को सीखना। बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया कहलाती है, वह कहलाती है प्राथमिक समाजीकरण। समाजीकरण एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज में रहना और सक्रिय सदस्य बनना सीखते हैं। इस प्रक्रिया में समाज के मापदंडों एवं मूल्यों के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं, पति पत्नी, माता पिता, मित्र, नागरिक आदि के संपादन करने की कला सीखने संबंधी दोनों बातें सम्मिलित होती हैं। बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया प्राथमिक समाजीकरण कहलाती है। निम्नलिखित में से उन्होंने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर मध्यम वर्गों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, वे है आर डेरेनराफ। किसी समाज के आर्थिक एवं सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था का वह भाग जिसका स्तर न तो अत्यधिक निम्न होता है न ही अत्यधिक ऊंचा, मध्यम वर्ग कहलाता है। यह सामाजिक वर्ग कुलीन वर्ग तथा कामगार वर्ग द्वारा बने सामाजिक माप के दो छोर बिंदुओं के मध्य की स्थिति है। इस वर्ग में मुख्यतः सफेद पोश कार्मिकों तथा निम्न स्तर के प्रबंधकीय व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। मार्क्सवादी के ढांचे के भीतर मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन आर डेरेनराफ ने किया है। इसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीके, सामाजिक आरोहण तथा सामाजिक उद्गम में वर्गीकृत किया है। वे हैं, सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा, वो है सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगम। सामाजिक आरोहण में उन्होंने कहा कि इसे उधरगामी गतिशीलता भी कहते हैं। जब एक व्यक्ति या समूह के ऊपर की ओर गमन करता है तो उसे ऊर्ध्वगामी गतिशीलता कहते हैं, जैसे शिक्षक का IAS बन जाना, ये सभी उधरगामी सामाजिक गतिशीलता है। सामाजिक अधोगमन इसे अधोगामी गतिशीलता भी कहते हैं। जब परिवर्तन की दिशा नीचे की तरफ हो तो इसे अधोगामी गतिशीलता कहते हैं, जैसे दरोगा का लाइन हाजिर हो जाना, नौकरी से सस्पेंड हो जाना या बर्खास्त हो जाना, एक बिजली मिस्त्री का कृषि श्रमिक होना इत्यादि, ये सभी अधोगामी गतिशीलता के उदाहरण हैं। एक्स एक कार्यालय में लिपिक है। उनके पिता एक पुलिस निरीक्षक थे और उनके दादा न्यायाधीश थे। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? यह विषम स्तरीय अधोगामी गतिशीलता है। जब परिस्थिति एवं भूमिका में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक वर्ग परिस्थिति में भी बदलाव आ जाता है तो इसे शीर्ष सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, या उधरमुखी अथवा अधोमुखी, दोनों में से किसी भी ओर हो सकती है। निम्नलिखित में से किसने स्तरीकरण के प्रक्रियात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ साथ सामंजस्य स्थापित किया है? वह है जी लेंस्की ने स्तरीकरण के प्रक्रियात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि किसी सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकार हैं? वह है अनुभाविक
और संप्रत्यात्मक के बीच आगा पीछा करता है, वह है सोरोकिन ने कहा है। उनका प्रमुख योगदान सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र में रहा है। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में उन्होंने चक्रीय सिद्धांत को परिणित किया है, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि समाज का एक विकास तीन प्रकार की मानसिकताओं संस्कृतियों के बीच होकर गुजरता है, आंतरिक विचारणात्मक या भावात्मक तथा आदर्शात्मक। सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत सांस्कृतिक केंद्रता है। उनके अनुसार परिवर्तन संस्कृतियों दशा के बीच उतार चढ़ाव है। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, वह होगा स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी जो लेव स्टार से जुड़ेगी, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ये नाडल से जुड़ेगी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन की है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर आर के मार्टिन की है। किसने अफ्रीकी जनजातियों चोपटा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है, वह है रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक मानव शास्त्र के प्रमुख संस्थापक में से रहे हैं। उन्होंने इंग्लैंड के उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इस विषय का अध्यापन किया तथा अध्ययन के लिए तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया। ब्राउन ने अफ्रीकी जनजातियों चोपटा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली संरचना का अध्ययन किया है। निम्नलिखित में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है, वे है लेव स्टार्स। कोई धार्मिक या पवित्र कथा जिसकी अंतःवस्तु किसी प्राकृतिक अधिभौतिक या सांस्कृतिक घटना के उद्भव या रचना को दर्शाती है मिथक कहलाती है। मिथक किसी सांस्कृतिक अथवा उप संस्कृति की किसी अलौकिक या विलक्षण घटना का वर्णन करने वाली अत्यधिक प्रतीकात्मक विवरण होते हैं। लेव स्टार्स ने इन्हें संरचनात्मक भाषा विज्ञान की दृष्टि से संकेतों की व्याख्या माना है। उन्होंने मिथकों को वैधता प्रदान करने वाली और सामाजिक व्यवस्थाओं की व्याख्या करने वाली संस्थाओं के रूप में स्वीकार किया है, किए जाने के प्रति अपनी असहमति प्रकट की है। उनके अनुसार मिथकों का प्रमुख प्रकार संज्ञानात्मक है, अर्थात मस्तिष्क के आधारभूत विचारात्मक श्रेणियों की व्याख्या करना है। दुर्खाइम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है, वह है सी। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर यांत्रिक एवं सावयवी समाज का उल्लेख किया है। उनके अनुसार आधुनिक समाज का अनुक्रम इस प्रकार है, विभेद उच्च श्रेणी की आत्मनिर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, क्षतिपूरक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकारण के लिए अपरिहार्य नहीं है, मार्टिन। इसका उत्तर है मार्टिन। संरचना शब्द का प्रयोग सामान्यतः किसी रचना की इकाइयों, अंगों तथा अवयवों के ऐसे प्रतिमानित संबंधों के लिए किया जाता है जो अपेक्षाकृत स्थिर एवं अस्थायी होते हैं। अतः किसी बृहत संरचना के विभिन्न भागों अथवा निर्णायक तत्वों के आपसी संबंध में जो एक व्यवस्था अथवा संगठन होता है उसे संरचना कहते हैं। मार्टिन के अनुसार सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकारण के लिए अपरिहार्य नहीं है। निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समुच्चय समाज के लिए महत्व होता है, वो है पार्सन्स ने कहा है। पार्सन्स ने अपनी प्रमुख रुचि समाज में व्यवस्था बनाए रखने की समस्या को जानने और खोजने में थी, अर्थात वे कौन से तत्व हैं जो सामाजिक प्रणाली व्यवस्था को बांधे रखती है। संरचनात्मक प्रकारवाद, आदर्शवादी प्रकारवाद, सामाजिक व्यवस्था, स्वैच्छिक सिद्धांत, सामाजिक क्रिया आदि पार्सन्स द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने विकासवादी चरण में समाज के चार प्रकारों सरल यौगिक, दुगने यौगिक और तिगने यौगिक को अभिचिन्हित किया है, वह है हार्वर्ड स्पेंसर ने। स्पेंसर ने मानव समाज को एक ऐसे जीवित निरंतर बढ़ते हुए सावयव के रूप में व्याख्या की है जो धीरे धीरे सरल से जटिल व्यवस्था का रूप ले लेती है। इन्होंने अपनी विकासवादी चरणों में समाज के चार प्रकार सरल यौगिक, दुगने यौगिक, तिगने यौगिक को
अभी चिन्हित किया है। मिट के अनुसार सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किसके किसके किनके सृजक हैं? वे हैं मुझे के सृजक हैं, बाकी अहम प्राहम प्रयाट की रचना है। मैं और मुझे का सिद्धांत मिट ने दिया था। समासास क्षेत्र में मार्टन का मैं अहम पराहम फ्रायड की रचना है और मैं और मुझे का सिद्धांत मिड ने दिया था। समाजशास्त्र के क्षेत्र में मार्टन ये गलत इसमें प्रिंट हो गया है। मिड ने मैं और मुझे के सिद्धांत में ने बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया पे एक नए ढंग से व्याख्या की है। उनके अनुसार मैं व्यक्ति के जैविक पक्ष को अभिव्यक्त करता है तथा इसके विपरीत मुझे सामाजिक सचेतना व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात सामान्यकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य मुझे के सृजक है। इसने इस बात पर जोर दिया है कि निर्वाचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है व्यक्तियों द्वारा अर्थ एवं स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व हैं। वे है ब्लूमर ने कहा है इंटरप्रिटेशन निर्वाचनात्मक शब्द का प्रयोग कई अन्य अर्थों में किया जाता है। एक अर्थ में किसी भी कथन को इंटरप्रिटेशन या व्याख्या कहा जाता है, जिसे जब मैं अपने सामने पड़ी वस्तु को प्रसाधन टेबल कहने के स्थान पर लेखन टेबल कहता हूँ, तब वास्तव में मेरा यह कथन अपनी कई एकेंद्रीय अनुभव के आधार पर निर्मित व्याख्या ही है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जनक ब्लूमर ने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ एवं स्वयं रचना के तत्व है। निम्नलिखित में से किन्होंने दो प्रकारों के संघर्ष नाम्यता यथार्थवाद और अयथार्थवाद अयथार्थवाद के बीच विभेद किया है? टेलेक पोजर ने संघर्ष प्रक्रियात्मक से सिद्धांत के प्रवर्तक पोजर रहे हैं। उनके विचार में प्रक्रियात्मक तथा संघर्ष संबंधी सिद्धांत के तत्व मौजूद हैं। पोजर ने अपने सिद्धांत में सामाजिक संघर्ष के प्रक्रियात्मक पहलू पर प्रकाश डालते हुए यथार्थवाद एवं अयथार्थवाद संघर्ष के बीच विभेद किया है। इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है, इसका अध्ययन आर डेरेनडॉर्फ ने अपने संघर्ष के सिद्धांत में प्रस्तुत किया है। पूर्व उन्होंने पश्चिमी सोच पर आधारित समाज संबंधी एक दूसरे के विरोध के मॉडल तथा मतेक मॉडल तथा बाह्यात्मक मूलक मॉडल का संविस्तार वर्णन विश्लेषण किया है। डेरेनडॉर्फ मानते हैं कि समाज के दो चेहरे हैं तथा संघर्ष एवं मतेक इन दोनों के बीच समाज को अस्तित्व संभव नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की पूर्णता आवश्यकताएं हैं। ये दोनों विकल्प ना होकर के एक दूसरे के पूरक हैं। संघर्ष तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक पहले थोड़ी बहुत मतेक ना हो। इसी प्रकार संघर्ष अंततः मतेक और एकीकरण की ओर अग्रसर करता है तथा इन दोनों के पहलुओं को संभालना बहुत कठिन है। अनुक्रम चार्ट के अधोलिखित सौपानिक एवं शोध परियोजना का संकलन करने में कौन सा क्रम सही व्यवस्थित है? वह है सी। शोध परियोजना संचालन करने का क्रम इस प्रकार है: समस्या का पहचान एवं संकल्पना निर्धारण करना, साहित्य एवं अवधारणाओं की समीक्षा करना, परिकल्पना का निरूपण करना, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण करना। विज्ञानों के अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषयों के सही अनुक्रम है? वे है अगस्त कांटे द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों के स्थानांतरण का सही क्रम इस प्रकार है: वह है गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। इसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्ति नहीं हो सकता, वह है मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्या समझ व्याख्यात्मक समझ है और यह व्याख्या मूल्य निर्वाचन पर आधारित होती है, अर्थात समाज का अध्ययन मूल से मुक्त नहीं हो सकता। वेबर ने मूल से संबंधित विचार अपने पुस्तक दी मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस में व्यक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पद्धति प्रियता निर्देशन के रूप में जानी जाती है? स्कंद वस्त्र चयन का वह रूप जिसमें संवर्ग में से प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना ज्ञात होती है या निर्धारित की जा सकती है, उसे संभावना मूलक प्रायिकता चयन यानी निर्देशन कहलाता है। साधारण जैव
प्रतिचयन, स्तरित देव प्रतिचयन, बहुचरणी देव प्रतिचयन, क्षेत्र अथवा संभाग प्रतिचयन आदि सभी संभावनापूर्ण मूलक प्रतिचयन विधियां हैं, जो दी गई सरलता, दी गई सफलता से स्कंद वस्त यानी टिप्टेस संख्याओं द्वारा चयनित निदर्श प्रयुक्ता निदर्शन के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता को गंवाने की आशंका होती है? वह है सहभागी प्रेक्षण विधि, प्रेक्षण अवलोकन विधि एक रूप में, जिसमें शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह की गतिविधियों कार्यकलापों में समूह के आंतरिक समूह के रूप में भाग लेते हुए उनका अध्ययन करता है, सहभागी प्रेक्षण अवलोकन कहलाता है। यदि भी सामान्यता इसे गुणात्मक शोध माना जा सकता है, फिर भी कभी कभी इसका रूप बन जाता है। इस विधि में यदि शोधकर्ता अधिक समुदाय में अधिक घुल मिल जाता है और एक देशी व्यक्ति बन जाता है, तब ऐसी स्थिति में वस्तुपरकता के खोने का भय रहता है। अतः व्यक्तिपरकता और वस्तुपरकता में पर्याप्त संतुलन बनाए रखना इस विधि की एक प्रमुख समस्या है। लिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य बाहरी रूप में प्रेक्षित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरकता करार रखते हुए शोध का शुक्र करता है? वह व्यवहारपरक परिप्रेक्ष्य। व्यवहारपरक परिप्रेक्ष्य बाहरी रूप में प्रेक्षित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तुपरकता बरकरार रखते हुए शोध का स्वीकार करता है। व्यवहार परक सिद्धांत निश्चित रूप में से व्यवहार परक सिद्धांत निश्चित रूप से एक ऐसी दिशा की ओर संकेत करता है जहां विद्वानों को प्रेक्षण एवं अनुभव पर आधारित अपने निष्कर्षों पर संदेह हो सकता है। प्रभाववादी विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? वह विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु शोध की एक विधि है जिसके द्वारा संचार के लिखित, मौखिक अथवा दृश्यात्मक साधनों में व्यक्ति अंतःवस्तु के वस्तु पर व्यवस्थित एवं परिणात्मक विश्लेषण किया जाता है। इस विधि के द्वारा संप्रेक्षण की विषय वस्तु को वर्गीकरण के नियमों के वस्तु पर तथा व्यवस्थित प्रयोग द्वारा परिणात्मक तत्वों में परिणित किया जाता है, इससे उसके आधार पर तुलना की जा सकती है। इसने जीवन वृत्त दृष्टिकोण का एक विभिन्नात्मक, जिसे साहित्यिक लोक गाथा कहा जाता है, विकसित किया है। वह थॉमस और जैनकी ने जीवन वृत्त दृष्टिकोण का एक विभिन्न, जिसे साहित्यिक लोक गाथा कहा जाता है, विकसित किया है। सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? वह फ्रेडरिक लीपले को। किसी एक प्रकरण यानी केस के गहन, सूक्ष्म एवं सर्वगीण अध्ययन को व्यक्तित्व अध्ययन कहते हैं। यह उपागम सर्वेक्षण शोध से भिन्न है, जिसमें परिमाणात्मक विश्लेषण को महत्व दिया जाता है। इस उपागम को प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक लीपले को जाता है। सामाजिक अनुसंधान में वैधता निम्नलिखित में से किसका उत्तर है? ए और बी दोनों। जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है और एक परीक्षण उसका मापन करने के अभिप्रेत होता है, इसका मापन करने के लिए उसे बनाया गया है। इसी परीक्षण को वैध तभी माना जाता है जब वह उसी को मापता है जिसके माप के लिए वह निर्दिष्ट हो। कैरेट के अनुसार किसी परीक्षण का मापन उपकरण की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी शुद्धता से उस गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसर पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है जो उसे क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है परीक्षण पुनः परीक्षण की विश्वसनीयता। तथ्य संकलन की किसी भी विधि, उपकरण अथवा पैमाना तब तक विश्वसनीय कहा जाता है जब समान दशाओं में वह एक ही परिणाम प्रस्तुत करे। दूसरे शब्दों में एक विधि अथवा पैमाना तभी विश्वसनीय होगा जब उसे एक ही प्रतिदर्श पर बार बार प्रयोग करने के उपरांत भी प्रत्येक बार समान परिणाम प्रकट हो। विश्वसनीयता की परख के लिए परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, बहु स्वरूपी विधि तथा अर्धक विधि का प्रयोग किया जाता है जब वही परीक्षण दो भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूर्व
किया जाता है तो उसे पुनः परीक्षण विश्वसनीयता कहा जाता है। एक केंद्रीय प्रवृत्ति यथा एक्स अथवा एम टी से विचलनों के वर्गों का योग क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रसरण। एक पंक्ति व्यू में एक मान इस तरह का है कि अर्ध मंदे ऊपर और आधी उसके नीचे है। इस मान को क्या कहा जाता है? इस मान को माध्यिका कहा जाता है। एक पंक्ति व्यू में एक मान इस तरह है कि आधी मंदे ऊपर और आधी उसके नीचे है। इस मान को माध्यिका कहा जाता है। माध्यिका एक समंक मात्रा का वाचार्य मूल्य है जो समूह को बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग के सारे मूल्य दूसरे भाग से कम होते हैं। यह एक स्थिति मूलक माध्यिका है। उदाहरण को पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से किस में आदर्श प्ररूप के पहलू अंतर्विनिष्ट नहीं है? इसका उत्तर है बी, मानसिक रचना एक पक्षी आगतन द्वारा विचलित दृष्टिकोण वास्तविकता में अनुभाविक रूप से कहीं भी नहीं पाई जा सकती। इस कथन में आदर्श प्रारूप के पहलू अंतर्विनिष्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है? वह है सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। यदि समाज विज्ञानी वेबर की आदर्श प्रारूप पद्धति का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होता है? ये गया अनुच्छेद के अंत में लिखा है कि आदर्श प्रारूप अनिवार्यता अनुभाविक शोध करने में और सामाजिक जगत के विशिष्ट पहलू को समझने में सहायक एक मापक है। अर्थात आदर्श प्रारूप का प्रकार इसकी अपसारिताएं और आदर्श कारणता स्थापित करने के लिए अनुभाविक वास्तविकता के साथ तुलना करना है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।